हेलो गाइज, मेरा नाम है भरत और आज मैं खड़ा हूँ रामदेव ट्रैक्टर्स पर, जो कि महिंद्रा का ट्रैक्टर का शोरूम है। और आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा 475 DI XP प्लस, जो कि महिंद्रा का 44 HP का ट्रैक्टर है, आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा 475 DI XP प्लस की पूरी डिटेल दूंगा। इसकी प्राइस, इसके फीचर, इंजन, इसमें आपको क्या क्या अदर स्पेसिफिकेशन मिलती है, वो सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। या आप देख रहे हैं सामने की लुक महिंद्रा 475 DI XP प्लस की। मैंने पहले भी मेरे चैनल पर महिंद्रा 275 DI, 265 DI, 275 यूवोटेक, इन सभी की डिटेल मैंने आपको मेरे चैनल पर दी है, आप चाहे तो वो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको 475 DI की पूरी डिटेल दूंगा। सामने से आप लुक देख सकते हैं, सामने से देखने में आपको 275 एंड 265 की तरह ही आपको सामने की लुक मिलेगी। इसमें आपको ब्लैक कलर का साइलेंसर दिया गया है और रेड कलर में ये ट्रैक्टर है, जो कि कुछ इस टाइप से सामने की लुक दी गई है। इसमें आपको हेलोजन में लाइट मिलती है, सामने की हेडलैम्प जो कि आप देख सकते हैं गोल शेप में आपको लाइट दी गई है, यूवोटेक में आपको चौकोर शेप की लाइट मिलती है, और यहाँ पे आपको महिंद्रा का क्रोम में लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको जाली दी गई है जो कि आप देख सकते हैं, इसके नीचे रेडिएटर लगा है। और आप चाहे तो इस ट्रैक्टर में 40 से 50 kg का बम्पर लगा सकते हैं एसेसरीज के तौर पर। और साइड से लुक की बात करें तो कुछ इस टाइप से साइड की लुक मिलेगी। यहाँ पर महिंद्रा 475 DI XP प्लस लिखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसमें आपको सामने 16 इंच का टायर मिलेगा और रियर में आपको 28 इंच का टायर दिया गया है। रियर में आपको ऑयल में डूबी हुई ब्रेक मिलेगी, जो कि आपको काफ़ी अच्छी ब्रेक देगी, मतलब इस ट्रैक्टर को आप जब चलाएंगे। और इसके इंजन की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3000 cc का, मतलब 2979 cc का 3 लीटर का 4 सिलेंडर का इसमें आपको वाटर कूल टाइप में डीजल इंजन मिलता है, जो कि आपको देता है 44 HP की पावर। अदर 275, 265 एंड यूवोटेक 275 में आपको 3 सिलेंडर के इंजन मिलते हैं 2235 cc के, लेकिन इसमें आपको 2979 मतलब 3 लीटर का 3000 cc का आपको 4 सिलेंडर का डीजल इंजन दिया गया, जो कि आपको 44 HP की पावर देगा और 172 Nm का टॉर्क देगा। और यह है सामने का टायर। इस ट्रैक्टर को आप चाहे तो मैकेनिकली एंड आप चाहे तो पावर स्टीयरिंग में ले सकते हैं। हमारे सामने ये पावर स्टीयरिंग में खड़ा हुआ है, आप चाहे जैसे ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से रेड कलर में फ्रंट की एक्सल मिलेगी, काफ़ी मजबूत इसमें आपको एक्सल दी गई है फ्रंट की। और ये इसका इंजन, यहाँ पे इसके हॉर्न लगे हुए हैं और ये इसका रेडिएटर का फैन, काफ़ी पावरफुल ये इंजन है। और इस बॉक्स में इस ट्रैक्टर की आपको बैटरी मिलेगी, बैटरी भी काफ़ी अच्छी जगह रखी गई है। और भूमि पुत्र सीरीज का ये ट्रैक्टर है महिंद्रा का, इसके इंजन पे महिंद्रा आपको 6000 घंटे या फिर 6 साल की वारंटी देता है। अदर कोई भी ब्रांड आपको 6 साल की अपने ट्रैक्टर पर वारंटी नहीं देता, लेकिन महिंद्रा देता है। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 6 साल का। इस साइड से आप इंजन को देख सकते हैं और पावर स्टीयरिंग मिलती है आपको इस ट्रैक्टर में। और फ्यूल टैंक की बात करें तो 60 लीटर के अराउंड आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यहाँ से आप डीजल को फिल कर सकते हैं। लॉक का सिस्टम दिया गया है पूरा। और ये साइड में और भी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं, ये 275 DI खड़ा हुआ है। लुक आपको सेम ही मिलेगी। अभी मैं आपको रियर से लुक दिखा देता हूँ इस महिंद्रा 475 DI की। ये आपको रियर से लुक दी गई है इस ट्रैक्टर की, पूरी फ्रेम में आप देख सकते हैं। इसके PTO पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 39.2 HP की PTO की पावर मिलेगी और 1480 kg की रियर की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है, जो कि आप सामने देख रहे हैं इस वीडियो में। और हेलोजन में आपको रियर की टेल लैंप मिलेगी और यहाँ पे एक लाइट दी गई है हेलोजन में, जिससे कि किसान भाइयों को आसानी रहे रात में खेत का कार्य करते टाइम, कोई भी परेशानी नहीं हो। रियर में आपको ट्रायंगल मिल जाता है और अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी गई है, जो कि अभी मैं आपको ऊपर चलकर बताऊँगा भी इस ट्रैक्टर के बारे में। इस ट्रैक्टर के प्राइस की बात करें तो 6,40,000 से 6,70,000 की एक्स शोरूम प्राइस में आपको ऑफर होता है। डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हैं, पावर स्टीयरिंग या फिर नॉर्मल स्टीयरिंग में। यहाँ से आप इस ट्रैक्टर पर चढ़ेंगे, यहाँ पे आपको चढ़ने के लिए ये स्टेप दिए गए हैं। यह इस ट्रैक्टर की सीट, कुछ इस टाइप से आपको ब्लैक कलर में स्टीयरिंग व्हील मिलेगी, उस पर आपको महिंद्रा का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको इसका मीटर दिया गया है, जिसमें आपको ट्रिप यहाँ पे आपको शो होगा कितने घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है, RPM का मीटर, टेम्परेचर का मीटर, फ्यूल का मीटर और अदर सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे वार्निंग की लाइट वगैरह शो होगी। आप देख सकते हैं इसमें ये लाइट आ गई है।
यहाँ पे शो हो रहा है कितने घंटे ये ट्रैक्टर चलेगा। बोलो यहाँ पे 60 लीटर का अराउंड आपको उसमें फ्यूल का टैंक मिलेगा और ये आपको मिरर दिया गया है और यहाँ पे लाइट वगैरह का कंट्रोल दिए गए हैं 1000 लैम्प के लाइट वगैरह के। और यहाँ पे आपको इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है जिससे कि किसान भाई अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सके। यहाँ पे आपको सॉकेट दिया गया है 12 वोल्ट का, कुछ इस टाइप से ये ओपन होता है, किसान भाइयों को आसानी रहे। और ये इस ट्रैक्टर का गियर का लीवर कुछ इस टाइप से आपको 4 स्पीड का गियर का लीवर दिया गया है। इसमें आपको साइड शिफ्टिंग नहीं दी गई, बीच में आपको गियर मिलेंगे और यहाँ पे आपको लो एंड हाई के कंट्रोल मिल जाते हैं। मतलब इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड के एंड 2 रिवर्स के आपको गियर मिलेंगे। ये इसकी क्लच दी गई है और ये इसकी ब्रेकें दी गई है इस ट्रैक्टर की। यहाँ पे आपको रेस वगैरह मिल जाती है और ये रियर की लिफ्ट के कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको वार्निंग लिखी मिलेगी और यह है ऊपर की रूफ जो कि एसेसरीज का पार्ट है। आप चाहे तो 10,000 में ये ऊपर की रूफ एंड सामने का 50 kg का बम्पर लगा सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। कुछ इस टाइप से आपको इस ट्रैक्टर की चाबी मिलेगी जो कि आप देख रहे हैं, 2 आपको चाबियां मिलेगी। अब मैं आपको नीचे उतरकर और भी इस ट्रैक्टर के बारे में बता देता हूं। वन फ्रेम में इसका सामने का बोनट ओपन होता है। ये जो आप बोनट देख रहे हैं ये वन फ्रेम में आप चाहे तो मतलब ओपन कर सकते हैं यहाँ से। और ये इसका 3000 cc का डीजल इंजन, प्राइस मैंने आपको बता दी 640 से 670 तक पड़ेगी। और भी कोई आपकी क्वेरी हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और रामदेव ट्रैक्टर्स के नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं महिंद्रा के ट्रैक्टर्स के लिए। ये यूवरटेक भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, रियर में 275 एंड 265 भी खड़े हुए हैं। कैसे लगे आपको इस महिंद्रा के 475 DAXV प्लस की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।